बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ ट्रिपलेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का फजल करम शुक्र है कि मैं तो ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ रहें हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज है 17वां रमज़ान, अभी हुई थी 17वीं सहरवी। तो अभी मैं उठा था थोड़ी देर पहले, उसका मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी किया, जो मैंने खाना खाया था, जो खाना खा कर आपको व्लॉग दिखाया। उसके बाद नमाज़ फजर अदा करने मस्जिद गया। अब मस्जिद से वापस आए हूँ तो थोड़ी देर छत पे खड़ा हुआ हूँ, थोड़ी वॉक वगैरह कर रहा हूँ छत पे, और माशाल्लाह इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, आज मज़ा आ रहा है। तो अल्लाह इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अभी देखें आप ये मौसम कैसा है। मौसम माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम चल रहा है ना, ये देखें व्यू चेक करें, माशाल्लाह इतना ठंडा ठंडा मौसम और इतने प्यारे बादल। जब आए हों तो व्लॉग ना बनाए हो ही नहीं सकता। देखें यहाँ पे कैसा मौसम है और वहाँ पर कैसा मौसम है। यहाँ से पीछे से भी मेरे सनराइज होगा। अभी आपको थोड़ी सी यहाँ से रोशनी आ भी रही होगी। तो अभी जब यहाँ से सनराइज होगा तो अगर नज़र आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी डालते हैं पौधों को पानी, क्योंकि कल से शुरू किया था पौधों को पानी। पहले तो मैं डालता था मगर वो व्लॉग में नहीं दिखाता था। तो कल मैंने पहले दिन पौधों को पानी डाला था व्लॉग के सामने, तो आज भी पानी डालते हैं पौधों को। तो जब मैं दूसरी छत पे आया हूँ, यहाँ पर चढ़ के वो पा रहा हूँ। तो अभी अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कह रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, जितना हो सकता है आगे शेयर करें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आगे जा सके। और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दें। अगर आपको नहीं पता सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो अभी यहाँ पर चल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से आपने देख के सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से देख के कर लें और बेल आइकन और कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिल सके। तो जी आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि अभी जाना है स्कूल थोड़ी देर तक प्रैक्टिकल सीखने के लिए। आपको बताया था ना अभी 10th क्लास से फारिग हुए हैं, तो अभी चल रहे हैं प्रैक्टिकल्स हमारे। प्रैक्टिकल्स अभी सीख रहे हैं, अभी सीखेंगे प्रैक्टिकल्स, उसके बाद आज स्कूल जाएंगे, उसका व्लॉग थोड़ा बनाएंगे, फिर असल प्रैक्टिकल्स होंगे, उसका भी व्लॉग आपको बाद में दिखाएंगे। आज तो सिर्फ सीखने जाना है हमने प्रैक्टिकल्स। तो अभी जा रहा हूँ थोड़ी देर, एक घंटे के लिए सोता हूँ, उसके बाद उठ के फिर चलेंगे स्कूल, ठीक है? तो अभी मिलते हैं उठकर। A few moments later. तो जी गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी बजे हैं 11 बजे हैं, 10 बजे हैं अभी, सॉरी 10 बजे हैं। तो स्कूल का टाइम हो गया, जैसा कि अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्कूल जाना है। तो अभी चलते हैं स्कूल, स्कूल चल के फिर आपसे मुलाकात होती है। और आज एक और बात भी है, आज तो मैं चाचू के घर जा रहा हूँ रहने के लिए, तो आज आपको सारी उधर की रूटीन दिखाऊँगा एक दो दिन, ठीक है? आज भाई ये देखो यहाँ की मैं दिखाऊंगी, और थोड़ी सी यहाँ की ये दिखा दिया करेगी, ठीक है फरमीन? आज मैं जल्दी उठ गई, आज ही जल्दी उठी है माशाल्लाह। तो ये अभी मिलते हैं आपको स्कूल जाके, इंशाल्लाह स्कूल में भी थोड़ा सा व्लॉग करेंगे अगर हुआ तो, ठीक है? तो मिलता हूँ। दो तीन दिन इधर ही रहूँगा, फिर घर जाएंगे दोबारा। तो अभी माँ से असर उदा करके आए हूँ, तो अभी ज़रा किचन में देखते हैं आज इधर क्या बन रहा है, आज इधर की इफ्तारी आपको दिखाती है आज। ये भी ये देखें दही बल्ले बन गए हैं, यहाँ पर फ्रूट चाट बन गया, और यहाँ पर अभी पकौड़े बन रहे हैं, शरबत भी बन चुका है। तो मैंने बच्ची को कहा कि पकौड़े मैं बनाता हूँ, तो जी अभी पकौड़े मैं बनाऊँगा, अभी आपको दिखाते हैं पकौड़े बना के। आज मुझे पकौड़े बनाएगा, वाह 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 वाह, चलिए मैं पकौड़े बनाता हूँ फिर दिखाता हूँ।
जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आप पकौड़े डाल चुके हैं, ये देखें मैंने नहीं डाले, ये भी बाजी ने डाले हैं, तो अभी इसको हम बनाएंगे, डाले बाजी बनाएंगे हम, देखें कैसे बनेंगे पकौड़े। घर में तो हम किसी काम को हाथ ही नहीं लगाते, यहाँ भी हम पकौड़े बना रहे हैं माशाल्लाह। अच्छे बन रहे हैं, तो ये अभी निकालें, अब ये थोड़े से निकालने लगे हैं। ये भी प्लेट में रख रहे हैं उधर, यहाँ से ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह पकौड़े मज़ेदार से लग रहे हैं, खा के पता चलेंगे कैसे हैं। बन गए हैं ये सारे, देखें ब्राउन ब्राउन हो गए हैं, जब ब्राउन हो जाए तो पकौड़े बन जाते हैं। ओए अड़ गया भाई अभी भी अड़ गया था इस कैसे करके। अगर आप लोगों ने पकौड़े बनवाने हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं परफेक्ट आर्टिस्ट हूँ पकौड़े बनाने में, ठीक है? आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपके घर आके पकौड़े बना दूंगा, ठीक है ना? मगर मेरी फीस है, वो फीस आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे आपको फीस पता चल जाएगी। चलें जब ये पकौड़े बन गए इनको जरा प्लेट में निकाल दें, ये पकौड़े बन गए इनको जरा प्लेट में निकालते हैं। अभी आपको प्लेट में निकाल के Later that same evening. तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोग सुबह से मुजम्मिल का तो देख ही रहे होंगे कि वो क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं अपना भी बता दूं कि हम दोनों क्या कर रहे हैं घर पे वेले बैठे। तो ये है जी फरहीन, अस्सलाम वालेकुम। ये बना रही है जी पकोड़े बैंगन के, अपना आप बना रही है अपना, मैं तो बहुत ज़्यादा छींटे आता है, पता नहीं ये लड़की कैसे बना लेती है। मैं तो कभी भी ना ये बनाऊं नहीं। मैं अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान भी इसी तरह भरे रखे, आमीन सुमा आमीन। चले अब इफ्तारी करते हैं, टाइम होने वाला है। इफ्तारी की सारी सेटिंग हो गई है, यहाँ पे दही बल्ले बने हैं, यहाँ पे फ्रूट का आटा है, यहाँ पर पकौड़े हैं कुछ, यहाँ पर रोल, यहाँ पर और पकौड़े, यहाँ पर खजूरें हैं, यहाँ पर शरबत है और यहाँ पर मीठी चटनी। खुल चुका है रोजा, अभी दुआ मांगते हैं। इफ्तार का टाइम हो चुका है, देखे माशाल्लाह कितना ठंडा हमारा वेदर रमज़ान गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। देखे कितने मज़े की हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और ये मुसलमानों पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि रमज़ान इतनी मतलब इतने सही मौसम में आया है, इतने सही वेदर में आया है कि सारे जो बीमार भी हो, जिसको गर्मी से कुछ होता भी हो, वो भी रख सकता है रोज़े। तो अल्लाह का ख़ास करम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे माशाल्लाह दो तीन दिन इधर ही रहेंगे, अब उसके बाद अब घर जाएंगे, घर के लोग बाद में आएंगे। तो उधर से फरमीना एंड फरीन ने भी वहाँ से कुछ क्लिप्स बना के भेजे जो मैं ऐड कर दूंगा, और वो ऐसे ही क्लिप्स बना के भेजती रहेंगी घर, तो वो मैं ऐड करता रहूँगा। तो जी आज का आपको लोग कैसा लगा ये मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है, और अगर आपको लोग पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसको आगे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है? तो इसी तो मेरी ये दुआ है कि आप जहाँ भी रहें उसके मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो आज का व्लॉग इधर ही करते हैं जी एंड, तो मिलते हैं कल किसी और।